चलो हेल्दी एंड टेस्टी मोदक बनाते हैं सिर्फ ड्राई फ्रूट्स से और बिना चीनी के। तो इसमें चीनी नहीं हम यूज़ करेंगे, तो चीनी की जगह क्या यूज़ करते हैं वो देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। तो एक कढ़ाई लेंगे, इसमें एक चम्मच या दो चम्मच घी डाल देंगे, तो दो तीन चम्मच घी डाल देना इसमें। और दो कप मखाने लेने हैं, तो दो कप मखाने को मैंने ले लिया। इसमें रोस्ट करेंगे अच्छे से मखानों को, तो क्रिस्पी होने तक इसको रोस्ट करना है अच्छे से, ताकि ग्राइंड करने पे अच्छे से ग्राइंड हो जाए। तो इसको रोस्ट कर लेंगे अच्छे से। ये वाला मोदक बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो इसको ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपका कैसे बना था। तो ये वाला मोदक ज़रूर बनाना इस गणपति पे, और बप्पा को भोग लगाना फटाफट से। तो मखाने हमारे रोस्ट हो गए हैं, इसको निकाल लेंगे, हल्का सा ठंडा होने के लिए रख देंगे एक दो मिनट के लिए। तब तक हम बादाम और पिस्ता को रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे एक चम्मच घी डालना है, या विदाउट घी भी आप कर सकते हो, कढ़ाई में घी लगा हुआ है। तो इसमें थोड़े से मैंने पिस्ता लिए हैं, दो चम्मच, 2 टीस्पून के अराउंड पिस्ता लिया है मैंने, और 2 टेबल स्पून के अराउंड बादाम लिया है। बादाम आप थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हो, या पिस्ता को स्किप करके उसकी जगह काजू भी डाल सकते हो। तो इसमें काजू भी आप ऐड कर सकते हो, काजू मेरे पास अवेलेबल नहीं था अभी, तो मैं सिर्फ बादाम और पिस्ता का बना रही हूँ। तो मखाने को अब हम ग्राइंड कर लेंगे, हल्का सा एक दो मिनट ही रोस्ट करना था बादाम और पिस्ता को, तो वो रोस्ट हो गए हैं। तो हम मखाने को पहले ब्लेंड कर लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। बारीक पाउडर हमें बनाना है इसका, हल्का दरदरा भी आप रख सकते हो, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप रख सकते हो। तो मैंने हल्का सा दरदरा रखा है, बहुत ज़्यादा भी नहीं बारीक किया है। तो अब इसमें ही हम बादाम और पिस्ता को भी ग्राइंड कर लेंगे, और उसको भी इसमें ही मिक्स कर लेंगे। तो इसको भी ब्लेंडिंग जार में डाल देंगे, और इसको मैं दरदरा थोड़ा सा रखने वाली हूँ। आप थोड़ा बारीक भी कर सकते हो, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो चलो सबको एक साथ मिक्स कर लेंगे अच्छे से। 4-5 मीडियम साइज़ के गुड़ लेने हैं। तो यहाँ पर चीनी हम लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं, गुड़ को यूज़ कर रहे हैं। तो गुड़ ऑलरेडी मेरा थोड़ा मॉइस्चर सा है, गीला सा है। अगर आपका ज़्यादा टाइट हो तो आप उसको मेल्ट करके भी ले सकते हो, बस गैस पे फ्लेम में रखना है, हल्का सा मेल्ट कर लेना है, विदाउट वाटर करना है आपको। तो गुड़ को मैंने ऐसे ही क्रश करके डाल दिया इसमें, ज़्यादा गुड़ नहीं डालना है क्योंकि हमारा मिक्सचर कम ही है, तो 4 या 5 गुड़ इनफ है। तो इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से गुड़ के साथ, और इसमें 1-2 चम्मच दूध ऐड करेंगे, जिससे ये मॉइस्चर छोड़ने लगेगा गुड़, और अपने आप ये गीला हो जाएगा। तो यहाँ पे 1-2 चम्मच पहले मैं डाल रही हूँ, पहले 1-2 चम्मच डाल के मिक्स करना है आपको, फिर कम लगे तो आप 1-2 चम्मच और डाल सकते हो, पर ज़्यादा नहीं डालना, अगर गीला हो जाएगा तो फिर टूटेगा, बनेगा नहीं अच्छे से हमारा मोदक। तो 1-2 चम्मच डाल के मैंने मिक्स कर लिया है, मुझे बस 3 या 4 चम्मच लगे थे दूध, और ये अच्छे से मिक्स हो गया। फिर दूध डालते ही गुड़ भी अपना मॉइस्चर छोड़ने लगता है, गीला मेल्ट होने लगता है थोड़ा थोड़ा, तो फिर ये बाइंड हो जाएगा अच्छे से। तो हमारा मिक्सचर रेडी है, अब हम मोदक मोड़ लेंगे और उसमें फिल करना स्टार्ट करेंगे। तो उसको अच्छे से मिक्स कर लेना, ये देखो बाइंड होने लगा है, थोड़ा थोड़ा बाइंड होना स्टार्ट हो गया। तो हमारा मिक्सचर गीला हो गया, तो हम मोदक मोल्ड में फिल करके देखते हैं। अगर आपका टूटे ना बने तो आप 1-2 चम्मच दूध और ऐड कर सकते हो, या फिर घी भी ऐड कर सकते हो दूध की जगह। तो मोदक मोल्ड लेके इसमें प्रेस करते हुए अच्छे से करते जाएंगे, फिल करेंगे अच्छे से दबाते हुए, ताकि मोल्ड का अच्छे से शेप ले लें। तो फिंगर से प्रेस करते हुए इसको फिल करना है अच्छे से। तो देखो सारे मोदक हमारे रेडी हो गए हैं, खोल के दिखाती हूँ मैं आपको कितना अच्छा मोदक बना है, और टेस्ट में तो बहुत ही यम्मी यम्मी था। तो जल्दी से पापा को भोग लगाएंगे पहले, उसके बाद खाएंगे हम। तो थोड़ा मिक्सचर ड्राई ड्राई सा होगा, इसलिए आपको फिल करने में थोड़ा टाइम लगेगा, दबा दबा के करना पड़ेगा। मोदक रेडी है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखो कितना परफेक्ट मोदक बना है, और टेस्ट में तो अच्छा होगा, ये ड्राई फ्रूट्स का है। तो अगर आप बाहर लेने जाओगे तो कितना कॉस्टली होगा ये। तो बहुत ही ईजी है, जल्दी से बन जाता है, कितने सारे मोदक बन गए। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब।